मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय में सेंचुरी डेनिम के मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर श्रम विभाग के कार्यालय पहुंचे। मजदूरों का नेतृत्व नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने किया। खरगोन जिला मुख्यालय पर सेंचुरी डेनिम के मजदूर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर के नेतृत्व में श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां मेधा पाटकर का कहना है कि मजदूरों की मांग है कि कंपनी मजदूरों के हितों के लिए जारी रहना चाहिए, जबकि कंपनी काम बंद कर चुकी है। मजदूर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो चुके हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हम कंपनी बंद कर चुके हैं। श्रम अधिकारी से जब मामले में बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले में श्रमायुक्त से बात करने को कहा है। तो आज की स्थिति तो यही है, मिल इन अ क्लोजर लाइक सिचुएशन, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज ऑन। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं कि 1.5 करोड़ रुपया वेजेस एंड सैलरीज हर महीना पे कर रहे। इतने में ये कुछ लोगों को वीआरएस चाहिए तो वीआरएस भी दे सकते थे और मामला खत्म होता। श्रमिक पक्ष से जबकि मांग थी कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो आदेश आया है उसमें एक तो श्रमिक पक्ष को सैलरी दी जावे तथा कार्य के अंदर श्रमिकों को छुट्टी दी जावे। इसके परिपालन में प्रबंधन पक्ष रूप में सभी श्रमिकों को सैलरी प्रदान कर रहा है, पांच घंटे को छोड़कर, लेकिन जो कार्य पर अंदर एंट्री दी जावे इस संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा हाईकोर्ट से स्थगन आदेश दिया गया। इसमें प्रबंधन पक्ष का कहना है कि जो हाईकोर्ट से जो डिसीजन होगा वो मान्य है। आज यहाँ पर श्रमिक पक्ष द्वारा कार्य पर अंदर लेने के संबंध में और रोजगार की मांग के संबंध में हमारे यहाँ पे विवाद प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त विवाद से संबंधित विवाद हायर अथॉरिटी के यहाँ पहले से विचाराधीन है, अतः समाज महोदय के प्रकरण मार्गदर्शन हेतु दे जाते हैं। सर, इनका कहना है कि 1 रुपये में जो समझौता जो है 1 रुपये में हमको कंपनी सौंप दी जाए, हम काम करेंगे, इस तरह की बात भी रखी गई। ये प्रबंधन पक्ष द्वारा ट्रिब्यूनल में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी इश्यू को हाईकोर्ट में ये इश्यू भी विचारा गया। कंपनी बंद हो गई इसके कारण आप परेशान हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, परेशान होना वाजिब है। अगर कंपनी बंद है तो परेशान होना तो वाजिब है। क्योंकि मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि कंपनी जो बंद है, बंद हालांकि बंद है, हमें पेमेंट दे रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी का प्रोडक्शन चालू किया जाए। प्रोडक्शन चालू रहेगा तो जो देश के किसान हैं जो कपास उपजा रहे हैं तो कपास सीधे टेक्सटाइल में जाता है। अगर कपास भी नहीं जाएगा तो उससे तो देश के किसानों का भी लॉस है। आज इस निमाड़ की धरती को ले लीजिए तो कितने सारे आदमी कपास की खेती करते हैं, अगर टेक्सटाइल बंद हो जाएगी तो एक तरह से किसानों का रोजी रोटी भी चला जाएगा, और जो मजदूरों को बैठा करके पेमेंट दे रहे हैं, उत्पादन को चालू नहीं कर रहे हैं, तो इस रोजगार की गारंटी नहीं से क्या बात हुई आपकी? देखिए, चेतावनी वाली तो बात नहीं, हम चाहते हैं कि रोजगार को चालू किया जाए। और जो हमने बिरला जी ने ऑफर दिया है, 2 ऑफर, कि या तो मिल आप लेकर के चलाओ, हम आपको 1 रुपये में देने के लिए तैयार हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को माने, वादा खिलाफी ना करें। अगर वो वादा खिलाफी करते हैं तो हम उनको करने भी नहीं देंगे। क्यों ऐसा करने देंगे? नहीं देंगे, कतई हम उनको वादा खिलाफी नहीं करने देंगे। या तो मिल को चलाना पड़ेगा या तो मिल को मजदूरों के हवाले करना पड़ेगा, हमारी यही मांग है। नहीं तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हम एक तो हमारा माल मांग हमारा जो कोर्ट में चल रहा है, दूसरा हम आंदोलन को तेज करेंगे, सीधी सी बात है। किस प्रकार का आंदोलन आपका सर? हमारा आंदोलन बिल्कुल गांधीवादी आंदोलन है। सेंचुरी यार्न और डेनिम मिल्स में जो 1000 से अधिक श्रमिक 25 साल से अधिक कार्यरत रहे उनको नजरअंदाज करते हुए जो मिल्स वेरिड ग्लोबल कलकत्ता को बेची गई, उस बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट को अब खारिज किया गया है क्योंकि वो एक फ्रॉड साबित हुआ। नेशनल हाईवे पर 83 एकड़ जमीन, 10 बिल्डिंग्स, मंदिर मस्जिद सब कुछ जो वहाँ है, मशीनरी इतनी बड़ी, ये सब की कीमत इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए बताकर बिरलाज ने, जिनकी सेंचुरी मिल्स हैं, ये मिल्स बंद करने का एक फ्रॉड कर दिया और फिर वो उनको खारिज करना पड़ा। ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिया कि इस मिल को खोला जाए और इन्हें रोजगार दिया जाए और इनका वेतन चालू रखा जाए। तो वेतन चालू रखते हुए भी वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आजीविका की असुरक्षितता, इनके बच्चों की शिक्षा की असुरक्षितता, इनके आवास की असुरक्षितता बनी रही है। 500 दिन से अधिक सत्याग्रह जारी है, 328 दिन क्रमिक अनशन 5-5 लोगों का जारी है और इस आंदोलन को